एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज के वीडियो में हम देखेंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अगर 3 डिजिट नंबर का कोई भी नंबर हो उसका हम स्क्वायर इजी वे में कैसे निकालेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल में लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं 102 का स्क्वायर, 102 का स्क्वायर फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा। 102 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बहुत ईजी है। अगर 3 डिजिट का नंबर का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ओके, तो चलिए सिखाते हैं। तो इसमें क्या करना है, टू हो गया, टू तो टू का स्क्वायर कितना होता है, तो टू का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पे हम 3 डैश बना देंगे। ओके, यहाँ पे हम 3 डैश बना देंगे। ओके, तो क्या होता है, यहाँ पे इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे हम, इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 0, 2 ये हो गया, ये 1 हो गया। ओके, 1 हो गया तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 जी, तो 4 होता है। यहाँ पे 0 है तो ये लिख देंगे, ठीक है, 2 डिजिट में लिखना है। अब फिर अगला स्टेप क्या है, 1 का मल्टीप्लाई 2 में, 2 1 2 जा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 4 लिखे, यहाँ 0, 2 डिजिट में हमको नंबर लिखना है। और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिख दिए, कितना हो गया हमारा आंसर, 10404। मैं आंसर निकल के आ गया 10404 हमें आंसर निकल के आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, 204 का स्क्वायर निकालना है, 204 का स्क्वायर निकालना है, 204 का स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, 204 का स्क्वायर निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग 2 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये 4 हो गया, ये 2 हो गया। अब इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम 3 ऐसे डैश बनाएंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, तो 16 यहाँ पे हम लिख देंगे। और 2 4 जा 8 8 2 जा 16 16 यहाँ पे हम लिख दिए। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, यहाँ 4 लिख देंगे, यानी आंसर क्या आ गया, 41616, यानी 41616 हमारा आंसर निकल के आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 312 का स्क्वायर, 312 का स्क्वायर निकालना है। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3 हो गया, ये 12 हो गया। इसके लिए हम 3 डैश बनाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 3 डैश बना दिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगला स्टेप, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, 144 होता है। अब इस अगला स्टेप क्या है, 32 जा 12 3 जा 36 36 2 जा कितना होता है, 72 होता है, 72 यहाँ पे हम लिख दिए। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, यहाँ पे हम 9 लिख दिए। अब अगला स्टेप आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, 44 का 4 ये कैरी यहाँ हम लिख देंगे, तो कैरी 72 में 1 ऐड करें तो कितना देगा, 73 होगा, 99, यानी आंसर क्या आ गया, 97344, यानी 97344 हमारा आंसर निकल के आ गया। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन 211 का स्क्वायर, 211 का स्क्वायर। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे 3 डैश बनाएंगे, इसको 2 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। ओके, अब 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है, तो यहाँ पे हम 21 लिख दिए, यहाँ 1 कैरी लिख दिए, ठीक है। 11 2 जा 22 22 2 जा कितना होता है, 44, यहाँ पे हम 44 लिख दिए। ओके, ये 1 कैरी है। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। अब क्या करना है, सबसे पहले 21 का 21, 44 में 1 ऐड करें कितना जाएगा, 45 होगा, 4 की 4 तो कितना हो गया, 44521, यहाँ पे हम लिख देंगे 44521 हमारा आंसर निकल के आ गया। अगर ट्रिक अच्छी लगे तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और लाइक भी कीजिएगा, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन 409 का स्क्वायर निकालना है। अगर किसी भी नंबर का आपको स्क्वायर निकालना हो, अगर 3 डिजिट का नंबर हो तो ये ट्रिक्स आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं 3 डिजिट में। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन 409 का स्क्वायर निकालना। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 2 पार्ट में इसको डिवाइड करिए, यहाँ पे 3 डैश बने, 9 का स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है, 81 लिख दिए। अब अगला स्टेप क्या है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 49 का कितना होता है, 36 में 2 कितना होता है, 36 में 2 72 होता है, 72 होता है। और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, यहाँ पे हम 16 लिख दिए हैं। तो क्या करना है, आंसर क्या आ गया, 16 72 81, ठीक है, 1,67,281 हमें आंसर निकल के आ गया।
अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। वैदिक मैथ की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे नित्यम स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।